सोलन में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई तीखे प्रहार किए। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में चल रही गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट में जहां लोग कोविड फंड में अपनी खून पसीने की कमाई दान कर रहे हैं, वहीं कुछ भ्रष्ट लोग उस पर भी डाक डाल रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि कोविड के इस संकट में भी सियासत करना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी और कहा कि वे जिम्मेदार बने, प्रदेश में हो रहे घोटालों पर अंकुश लगाएं। विनोद सुल्तानपुरी ने इस मौके पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से सो चुकी है, जिसे कांग्रेस जगाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस विभाग पर आज उंगलियां उठ रही हैं, वे विभाग मुख्यमंत्री खुद संभाल रहे हैं, जिसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके जिम्मेदार भी वही हैं। सुल्तानपुरी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं, तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पर्यटन उद्योग खत्म हो चुका है, किसानों की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन इस स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। हर मोड़ पर सरकार असफल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार और उनके मंत्री सूबे की हालत को ठीक करने की बजाय कांग्रेस पर टिप्पणियां करने पर समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह से प्रदेश की जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे और प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे। ये जो सरकार है आज हमारी शिमला में बैठी हुई, ये सो रही है। इसे जगाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस तरह की करप्शन सैनिटाइजर्स मास्क इनमें हो रही है और इनकी जो क्वालिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री के साथ है और इसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए। और हम उनसे ये अपील करते हैं कि वो इसके बारे में समझें। अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस करप्शन को रोक नहीं पा रहे हैं, तो कृपया वो अपना रेजिग्नेशन दें, ताकि एक जिम्मेदारी से ये प्रदेश खड़ा हो पाए। जिस तरह का हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रेस है, हमारे जो किसान हैं उनके साथ जिस तरह की आज हालत है, जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री है वो पूरा फेल हो गया है, ये जो सिचुएशन है ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। और जितना यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हुआ है इस महामारी में, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? इनका जो काम करने का तरीका आ रहा है, हर रोज़ नए से नए नियम आते हैं, सुबह उठो तो नया नियम लागू हो जाता है। मैं सरकार के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, हम एज सिटीजन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस बीमारी के दौरान। पर कृपया करके इसे पॉलिटिक्स का रूप ना दें। आप इक्विपमेंट लेना चाहते हैं, आप लीजिए, बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप अच्छे वेंटिलेटर्स लीजिए, साथ में जो कॉस्ट है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, प्रश्न चिन्ह क्वालिटी पे है। क्या आप लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये उचित नहीं है। और अगर इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा जोर से विरोध करती है और गलत काम के लिए हम उनके साथ खड़े नहीं हैं, उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि गलत नहीं होगा, हम इसके इसके बिल्कुल विरुद्ध में हैं। दूसरी बात, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? जो बच्चे, जो लोग नौकरियों में हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही है और वो आने वाले एक दो साल में, अभी होटल इंडस्ट्री इतनी डिस्ट्रेस में है कि मुझे लगता नहीं है कि ये होटल चल पाएंगे कुछ समय के लिए। तो सरकार को ऐसे करना चाहिए कि इसके बारे में सोचें, इसके बारे में कुछ काम करें, ताकि हम उनके साथ खड़े हैं, ऐसी नहीं बात है, हम उनके साथ पूरा यूनाइटेड हैं। पर ये छोटी छोटी बातें किया, शांडिल साहब के ऊपर ऐसी बात करना कि वो तो
हारमोनियम बजा रहे थे। क्या ये बात है, ये सूट नहीं करती है, अच्छी बात नहीं है। हम बीमारी के समय में इकट्ठे हैं, पर आप इस तरह की राजनीति अगर करने लगेंगे तो वो उचित नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है।